इस्माइल हनिया की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर इस्माइल हनिया मारा कैसे गया, सवाल सभी तरफ यही है। ईरान इस पर चुप्पे साधे हुआ है, जांच की बात कह रहा है। इसराइल जो है वो किसी तरह से कुछ कहने को तैयार नहीं है। उसने अभी तक इस हत्या की बात को स्वीकार नहीं किया गया कि किसी तरह का हमला उनकी तरफ से किया गया या उनका इसमें हाथ है, वो भी चुप्पी साधे हुआ है। किस तरह से आगे बढ़ेगा, बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, जिस तरह से हानिया की मौत हुई, अब तक वो गुत्थी सुलझी नहीं है। ईरान इस पर कुछ नहीं कह रहा है, वो चुप्पी साधे हुआ कह रहा है जांच होगी। मिसाइल की जहां तक बात आ रही है, कहा ये जा रहा है कि जिस इलाके में हानिया था वहां पर ईरान के बड़े डिफेंस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनके क्वार्टर थे, यानी कि बहुत सेफ जगह थी। ऐसे में हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। आखिर क्या थ्योरी सामने आ रही है शुरुआती तौर पर हानिया की? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको लेके कई बड़ी सारी थ्योरीज आ रही हैं, जिसमें कई तो बहुत ही उलझी हुई हैं, जिसमें मैं आपको अभी एक लेटेस्ट बताना चाहूँगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है। इस खबर के मुताबिक इस्माइल हनिया जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे तेहरान में, उसके अंदर 2 महीने पहले से एक्सप्लोजिव प्लांट कर दिया गया था। ये बहुत ही चौंकाने वाला दावा जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से किया गया है कि कुछ सोर्सेस से कि जिस गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिया रुके हुए थे वहाँ पे पहले से ही मोसाद के एजेंट्स ने जो है वो एक्सप्लोजिव पहले से अंदर पहुँचा दिया था। उन्हें पता था कि ये अगर राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने आते हैं तो क्या ईरान की नज़दीकी और हनिया जिस तरह से बहुत नज़दीक था, उसकी पॉलिसीज पर ईरान को बहुत विश्वास था, क्या लग रहा था कि बिल्कुल आने वाला है हनिया यहाँ पर? सारी जो कहते हैं ना कि जब आप गुपचुप तरीके से रह रहा था, छिपके रह रहा था, यानी कहीं ना कहीं मुसाद को पता था कि सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हो। असल में है ना, ये जो इस्माइल हनिया थे, ये इसके पहले भी 2-3 बार तेहरान जा चुके हैं। अच्छा। और वो जब भी रुके तो वो इसी गेस्ट हाउस में रुके, ऐसा सोर्सेस के हवाले से पता चला है। तो मुसाद जो है वो पहले से ये जान रहा था कि अगर वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने आते हैं तो हो सकता है वो इसी गेस्ट हाउस में रुके। इसको लेके 2 महीने पहले से करीब जो है वो प्लानिंग शुरू हो गई थी अगर वहां आते हैं तो। लेकिन अब इसमें कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमास के भीतर किसी ने गद्दारी की, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये तेहरान के गेस्ट हाउस में अगर आपको एक्सप्लोजिव प्लांट करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से या तो ईरान के मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर से कोई इसमें शामिल था, और यस, या फिर क्या जिसे हम कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि क्या हमास का कोई गद्दार जो है वो इस हनिया की मौत के पीछे है, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बहुत रहस्यमय हैं। आप देखिए कि जिस तरह से गेस्ट हाउस पे हमला हुआ, वहाँ पे रडार्स लगे हुए हैं, वहाँ पे एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं, यानी कि अगर ये बहुत ही सेफ जोन था जहाँ पे इस्माइल हनिया रुके हुए थे, अगर यहाँ पे किसी भी मिसाइल से हमला होता तो ईरान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसको तुरंत तबाह कर देता, वहाँ जो रडार्स हैं वो उसको कैच करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है, अब तक ये साफ नहीं है कि ये मिसाइल अटैक था। ईरान ने इस पर भी चुप्पी साधी हुई है कि किसी तरह की कोई गाइडेड मिसाइल थी जो वहाँ पर जाके गिरी है। मतलब आप समझिए कि इतनी बड़ी हत्या हो गई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन ईरान फिर भी चुप है। बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ ईरान ही नहीं, अब तो हमास भी ये कह रहा है कि वो इंतजार कर रहा है इस बात का कि ईरान की तरफ से इस पूरे मामले की जांच हो रही है और क्या रिपोर्ट सामने आती है। तो अब इसमें जहां तक हमले की बात है तो इसमें 2-3 थ्योरीज है कि पहले हमने चर्चा की थी कि आ रहा है कि भाई इन्हें F-35 जो फाइटर प्लेन है अमेरिका का, उसकी किसी मिसाइल के थ्रू इनको मारा गया, या फिर कोई ड्रोन से गाइडेड मिसाइल थी उससे हमला किया गया। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है नीलू, क्योंकि ये जिस एरिया में हमला हुआ है वहां पे ये दोनों चीज थोड़ी सी मुश्किल है कि ईरान की राजधानी ईरान में कोई मिसाइल अंदर तक ट्रबल करके आ जाती है और ईरान को पता ना चले, रडार्स कैच ना करे, एंटी मिसाइल सिस्टम काम ना करे, ये तो रहस्य है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि ऐसे सिक्योरिटी जोन में और खास तौर पर हनिया जिस तरह से अपने आसपास पूरी सिक्योरिटी लेकर चलता था, वो ईरान का गेस्ट था, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल मयंक यही है कि चूंकि अब ये मौत की गुत्थी है, इसको सुलझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, सभी देश अभी अपने आप को बिल्कुल थामे हुए चल रहे हैं कि जांच की बात आ जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी खमैनी को भी मैंने देखा, उन्होंने कहा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, मस्जिद के ऊपर लाल कलर का एक झंडा भी लगा दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से संदेश दे दिया गया है कि इसको आप हल्के में नहीं ले, ईरान पूरी तरह से हमास के साथ है।
देखिए आप देखें, अगर पिछले 3 दिनों में 3 बड़े दुश्मनों को इसराइल ने जो है ख़त्म कर दिया है, इस्माइल हनिया के पे अटैक हुआ, उनकी मौत हो गई, उसके बाद मोहम्मद दाइफ जो कि हमास के मिलिट्री चीफ थे, कहा गया कि कल जो है उनकी हत्या की गई है, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी मौत हो गई है। अब एक याह्या सिनवर एक तीसरे नेता हैं हमास के, जो पिछले साल जब अक्टूबर में इसराइल पर हमला हुआ उसमें जो 3 बड़े लोग शामिल थे, उसमें जब तीसरे नेता एक बचे हुए हैं उनका नाम है याह्या सिनवर। तो अब ये ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इसराइल उनको भी निशाना बना दे। और एक दूसरी चर्चा बहुत ज्यादा है कि भाई अब इस्माइल हनिया के बाद अगला हमास का चीफ कौन होगा। तो एक नाम जो है वो सामने आ रहा है, वो खालिद मशाल जो है, इनका नाम सामने आ रहा है। ये हमास के बड़े नेता हैं और इनका ये सबसे ज्यादा पॉपुलर तब हुए थे जब 1997 में एक बार मोसाद की तरफ से जॉर्डन पे थे ये, इन पे हमला किया गया था और इनके इन्हें जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश की गई थी उस समय। हाँ, लेकिन वो बच गए थे उस हमले में, उसके बाद से बड़े पॉपुलर हो गए और अब ये जो है सेकंड सबसे पॉपुलर नेता माने जाते हैं हानिया के बाद। हाँ। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि खालिद मशाल जो है ये अगले चीफ हो सकते हैं। और जैसा आप कह रही हैं कि अब जो लेबनन, ईरान, हमास और हिजबुल्ला ये सब मिलके हो सकता है कि आप, जिस तरह से खबर भी आई है कि जो हिजबुल्ला है उसने काफी ज्यादा रॉकेट दागे हैं शायद इसराइल पर, कहा हालांकि इसराइल का कहना है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन पूरी तरह से अटैकिंग मोड पे है। 6 घंटे के अंदर जो है वो 60 से ज्यादा रॉकेट्स जो है इसराइल पे फायर किए गए। तो अब ये पूरा जो मामला है ये एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब बस देखने की बात ये है कि क्या ये किसी जंग की तरफ जाता है या इसका कोई और सॉल्यूशन निकल के आता है। तो अभी मामला जो है मिडिल ईस्ट में और काफी ज्यादा टेंस्ड हो गया है। और चूंकि अमेरिका का रुख भी इस पे स्पष्ट कर लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों अपने तरीके से इसको किस तरह से देखती है। हालांकि अगर कमला हैरिस की बात की जाए जो राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनाई गई है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, उनका ये कहना है कि वो कोशिश भी अपनी तरफ से कर रही थी कि सब कुछ शांत रहे, किसी तरह से हमास और बातचीत हो इसराइल से, लेकिन अब वैसा कुछ लग नहीं रहा है। तो आप अमेरिका के पॉलिटिक्स पर भी इसका कितना असर और अमेरिका पर भी कितना दबाव आप देखते हैं इस इंसिडेंट के हनिया की मौत के बाद? बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, चाहे जो बाइडेन रहे हो या फिर कमला हैरिस हो, इनका उतना हार्ड स्टैंड नहीं है जितना कि ट्रंप का है। अमेरिका हमेशा से जो है वो इसराइल के साथ रहा है, लेकिन अगर हम ट्रंप और जो बाइडेन या ट्रंप और कमला हैरिस के आपस में तुलना करें तो इसमें ट्रंप जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं हमेशा, फिलिस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ, हिजबुल्ला के खिलाफ। तो अब ये बड़ा देखने की बात है कि अमेरिका के चुनाव का क्या नतीजा सामने आता है, उससे बहुत कुछ इस पूरे मिडिल ईस्ट का जो फेट है वो, उसका भविष्य जो है वो डिसाइड होने जा रहा है। चलिए, तो हानिया की मौत की गुत्थी जो है अभी सुलझना बाकी है और इस गुत्थी पर हमारी भी नजर रहेगी और मध्य पूर्व में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए।